सब्सक्राइब कीजिए गोल्डी व्लॉग्स मेरे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकॉन दबाइए मेरे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, गोल्डी व्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज मैं ओनर रिव्यू करने वाला हूँ। अपना सबसे पॉपुलर बाइक है, आप देख के पहचान ले रहेंगे, ये R15 वर्जन 2 है। ये काफ़ी पॉपुलर बाइक है और ये एक साल पुरानी बाइक है। तो हम ओनर से पता करेंगे उनको कैसा एक्सपीरियंस रहा इस बाइक के साथ। चलो शुरू करते हैं। इसका स्पेक्स तो सब जानते रहेंगे। ये 149 cc का आता है और सिंगल सिलेंडर आता है और 16.7 bhp का आता है और इसका RPM है 8500 है। टॉर्क है 15.9 nm टॉर्क है और फ्यूल इंजेक्टर सिस्टम आता है और लिक्विड ऑयल कूलिंग सिस्टम है ये। तो ये काफ़ी पॉपुलर बाइक है और प्लस देखे जाएंगे ना, ये एक्चुअली बंद किया था यामाहा ने, क्योंकि वर्जन 2 जब आया था, जब इसका जो सीट जो था थोड़ा सा ऐसा ऊपर था, तो इस वजह से तो इसको पब्लिक रिक्वायरमेंट की वजह से फिर से लॉन्च किया था। तो ये गए साल तक ये अवेलेबल था, मिल रहा था। जब वर्जन 3 जब आया था तभी भी ये मिल रहा था, मार्केट में अवेलेबल था। पता नहीं इसे एक साल पहले इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया, क्या रीज़न है पता नहीं क्यों डिसकंटिन्यू किया। आज भी इसे पसंद करते हैं लोग इस बाइक को, पता नहीं क्यों डिसकंटिन्यू किया पता नहीं, शायद इसलिए डिसकंटिन्यू किया होगा, वर्जन 3 अच्छे से बिके इसलिए। दोस्तों इनका नाम है विशाल मंदे, ये पुणे ट्रैफिक पुलिस में है। तो अभी इनसे जानेंगे कि इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा 1 ईयर का। तो सबसे पहले आप ये गाड़ी क्यों चॉइस किए? गाड़ी का लुक एक तो अच्छा है और ये फैमिली बाइक है। कैसा वो जो वर्जन 3 है वो ज़रा गाड़ी फैमिली बैठ नहीं सकता पीछे। ये गाड़ी का अच्छा गाड़ी है, लुक भी अच्छा है और इसका एवरेज भी अच्छा है। अगर आप सिटी में चलाओगे तो 40, मतलब मुझे जो एक्सपीरियंस है 40 तो आराम से एवरेज दे रही गाड़ी। अच्छा है वो इनके, मतलब सिटी में इनको 40 अच्छा एवरेज 40 देता है, सिटी में 40 दे रही मुझे। ओके ओके, सिटी में कैसे भी 40 दे रहा है तो अच्छी बात है। जो इस ये लुक में जो बाइक है तो फुल फेयरिंग बाइक इतना खूबसूरत दिखता है तो 40 का एवरेज दे रहा है, बहुत अच्छी बात है। नॉर्मली हम लोग नेकेड बाइक लेंगे FZ वो भी उतना ही देता है, तो ये बेस्ट है। तो आप इसका मतलब एक साल में अभी आपने जितने भी सर्विस किया, तो यामा का सर्विस सेंटर का रिस्पांस कैसा रहा आपको? सर्विसिंग अच्छा मिल रहा है मुझे अभी तक, तो मुझे गाड़ी का कुछ ऐसा कुछ खर्चा भी नहीं आया है। जो सर्विसिंग कॉस्ट है, फ्री सर्विसिंग अभी मेरा हुआ है। अभी गाड़ी 9000 किलोमीटर चलाया, अभी तक मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया गाड़ी को, जो उनका इंजन ऑयल और जो रहता कूलेंट कूलेंट ओके वही चेंज वही चेंज किया, बाकी उसका कुछ अलग से कुछ खर्चा नहीं किया। मतलब ब्रेक पैड रहता है, कुछ रहता है, उन्होंने ऐसा कुछ एक्स्ट्रा कुछ बोला नहीं है। गाड़ी अगर आप ठीक तरह से चलाओगे, जो 40 आवरेज दे रहा है मुझे, वो भी इसलिए दे रहा है कि गाड़ी को 6 गियर है। ओके आप सिटी में चलाओगे तो कम से कम 50 के ऊपर चलाना पड़ेगा आपको। ओके ओके, अगर दूसरा कोई लड़का चलाएगा, आप दूसरे का आपको दोस्त को दोगे गाड़ी, अगर वो दूसरे तीसरे घर के गियर के ऊपर चलाएगा तो एवरेज कम देती है। तो आपको इसका ख्याल रखना पड़ेगा कि कम से कम 6 गियर है, उसके हिसाब से आपको गाड़ी चलाना पड़ेगा। तो गियर चेंज करना या करना, इसके बारे में ध्यान रखना पड़ेगा। तो आपको कितना मतलब सर्विस फ्री मिला जब आप गाड़ी परचेस किए थे? अभी तक 3 सर्विसिंग हो गया मेरा, 3 सर्विस हो गया, 3 सर्विस फ्री सर्विस हुआ है। क्या क्या कॉस्ट लगा सर्विस का? 1000 के आसपास लगा मुझे। तो बेस्ट है, सर्विसिंग कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं है, तो बहुत अच्छा है। तो इसका टॉप स्पीड कितना जाता है, आपने कोशिश किया है? मैंने हाईवे पे ट्राई किया था,
ये गाड़ी 100 तक तो आसानी से जाता है, okay. मतलब 100 के ऊपर अगर आपको भगाना है तो मैंने चलाया था 120 तक। अच्छा अच्छा, लेकिन 120 के आगे ज्यादा नहीं जाता ये गाड़ी, okay. 100 तक आप आराम से चला सकते हो। अच्छा, इसका फायरिंग एकदम स्मूथ है, okay, okay. 6 गियर है ना इसके लिए। अच्छा, ये 120 में आप जाते हो, बॉडी वाइब्रेशन करता है गाड़ी का? करता है, लेकिन इतना नहीं कि मतलब आपको जितना लगेगा। अच्छा, तो थोड़ा करता है, थोड़ा बहुत करता है। हाँ, करता है, 100 तक नहीं करता। 100 तक स्मूथ है। हाँ, 120 को आप चलाओगे तो थोड़ा बहुत लगता है कि वाइब्रेट हो रहा है। ओके ओके, मतलब 100 के अबव ऊपर जाएंगे थोड़ा सा वाइब्रेशन है। थोड़ा सा वाइब्रेशन है। ओके ओके ओके, तो अभी इस गाड़ी का हेडलाइट पावर कैसा रहा आपको, कैसा था? हेडलाइट के बारे में पूछोगे तो हेडलाइट थोड़ा मुझे वीक लगा यामा का। ओके, ऐसा रात में अगर बाहर जाओगे, अगर सामने से लाइट आएगा तो ये लाइट इतना क्लियर नहीं दिखता। ओके, तो मैंने लाइट के लिए प्रोजेक्टर लगाए थे दोनों सामने। ओके, तो अभी चेंज हो गया है। तो इन्होंने मतलब इसका मतलब हेडलाइट पावर इतना कुछ खास नहीं है, तो इन्होंने प्रोजेक्टर अपडेट करके लिया। तो एक है डिसअपॉइंटेड। तो अभी नेक्स्ट है, और एक क्वेश्चन है, इसे जैसे कि अभी लॉन्ग ड्राइव में लेके जा सकते हैं आप, कैसा आपको कैसा लग रहा है? आप लॉन्ग ड्राइव इसको लेके गए आप? हाँ, लॉन्ग ड्राइव लेके गया हूँ मैं, फैमिली के साथ में भी गया हूँ। तो ये जो सीट है एकदम आसानी से बैठ सकता है पीछे फैमिली। ओके ओके, मतलब लेडीज मतलब वन साइड भी बैठ सकती है, वन साइड भी बच्चे को लेके बैठ सकती है, बच्चे को भी लेके बैठ सकती है। तो ये फैमिली के लिए ओके है ना। और आपको चलाने के लिए लॉन्ग ड्राइव में कैसा कुछ तकलीफ हुआ? कुछ नहीं तकलीफ होता, एकदम कंफर्टेबल ना। हाँ, बहुत सारे लोग बोले थे कि मतलब इसमें तकलीफ होगा, ऐसा है हैंडल पोजीशन, मतलब ऐसा है वैसा है। ओके ओके, लेकिन आप खुद चलाओगे तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। ओके, एकदम अच्छा गाड़ी है, लॉन्ग रूट पे भी चलाओगे तो एकदम सेफ है गाड़ी। ओके, एकदम कंफर्टेबल। और ब्रेकिंग वगैरह एकदम अच्छा है ना? ब्रेक बहुत अच्छा है गाड़ी का, एकदम कंट्रोलिंग है, कंट्रोलिंग है ना। ओके ओके, और हीटिंग प्रॉब्लम कुछ ट्रैफिक में गाड़ी हीट होती है? ऐसा तो कुछ नहीं मुझे लगा अभी तक, कुछ नहीं हुआ ना ट्रैफिक में हीट हो रहा है? कभी नहीं ऐसा नहीं लगा मुझे। अच्छा, बेस्ट है, हीट नहीं होना चाहिए। नहीं, ओके, पुणे का टेम्परेचर भी ज्यादा है तो गाड़ी हीट नहीं हो रहा है बोल रहे तो अच्छी नहीं बात है। ऐसा नहीं कुछ हुआ। क्वेश्चन था इसका टैंक कैपेसिटी कितना है? ये 12 लीटर का टैंक है इसका। ओके, तो आपको कोई इशू नहीं ना 12 लीटर में? कोई मतलब ऐसा लगा, ऐसा फील नहीं हुआ ना कि कम है, ऐसा कुछ नहीं? नहीं नहीं, ठीक है। ओके ठीक है ना, 12 लीटर अगर 40 का एवरेज पकड़ो तो 12 चौकट है, मतलब 400-500 किलोमीटर तक जाता है आराम से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसा किसी। ओके ओके, और फायरिंग भी एकदम स्मूथ है ना इसका? एकदम स्मूथ। ये गाड़ी का मुझे फायरिंग भी बहुत अच्छा लगा, ये फायरिंग बहुत स्मूथ है। अगर आप मतलब 6 नंबर पे जाओगे, 6 चढ़ा गियर डालोगे, ओके ओके, तो फायरिंग एकदम स्मूथ हो जाता है हाईवे पे। ओके, तो यामा का इंजन है तो फायरिंग स्मूथ, बहुत स्मूथ है फायरिंग, बहुत। तो पूछने मतलब देखने की जरूरत ही नहीं है यामा के इंजन के लिए, फायरिंग बहुत अच्छा है इसका। ओके ओके, एक क्वेश्चन था, तो ये मॉर्निंग में अभी पुणे का जो ठंड बहुत होता है सुबह पुणे में, काफ़ी ज़्यादा होता है हमारे मुंबई से, तो आपको कैसा कभी फील हुआ कि स्टार्टिंग प्रॉब्लम कुछ हुआ इसमें? नहीं, कभी भी नहीं, कभी नहीं स्टार्टिंग प्रॉब्लम कभी भी नहीं हुआ। और एक बात, मैं गांव गया था 6 दिन के लिए। ओके, तो 6 दिन गाड़ी ऐसा ही खड़ा था, यूज़ भी नहीं किया। ओके, 6 दिन के बाद में आया, स्टार्ट किया, तुरंत स्टार्ट हो गया, कुछ भी स्टार्टिंग का प्रॉब्लम नहीं आया इसका। ओके, तो मतलब फ्यूल इंजेक्टर है तो इसका मतलब अच्छा है, फ्यूल इंजेक्टर का एक बेनिफिट है। ओके, तो इसका बिल्ड क्वालिटी, अभी आप 1 साल हो गए, कंप्लीट हो गए इस बाइक को, तो आप इसमें कुछ मतलब पार्ट्स कैसे, मतलब कुछ चेंज करवाए या कुछ भी नहीं चेंज किया? 1 साल हो गया वैसे चल रहा है, सिर्फ ऑयल और मतलब जो सर्विसिंग किया, इंजन ऑयल और जो सर्विसिंग में करते हैं उसका ही खर्चा है बस, और कुछ भी पार्ट्स कुछ भी चेंज नहीं किया। तो बिल्ड क्वालिटी में एकदम अच्छा गाड़ी, बेस्ट है अभी तो कुछ। तो आपको क्या लगता है, ये R15s जो है, ये आपका जो एस है, ये कंपनी ने बंद किया, तो आपको क्या लगता है फिर से चालू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं, चालू करना चाहिए, एक ऑप्शन में रखना चाहिए, एक ऑप्शन में रखना चाहिए कि फैमिली बाइक है। बहुत सारे लोगों का ही ये रहता कि मतलब ये गाड़ी ऐसा खरीद सकते हैं, काफी लोग को पसंद आता है, पसंद आता है गाड़ी, ये फ्लैट सीट है ना, तो फ्लैट सीट है और लुक अच्छा है गाड़ी का, अच्छा है। बाकी के गाड़ी का ऐसा पीछे का सीट ऊपर रहता है, वर्जन 3 थोड़ा अनकंफर्टेबल है, राइडर के लिए भी अनकंफर्टेबल है, प्लेन के लिए भी, प्लेन के लिए। ओके ओके, तो थैंक यू आपने एक रिव्यू दिया, आपने ओनरशिप रिव्यू, थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के लिए आप कुछ कहना चाहोगे? आप ये ट्रैफिक पुलिस में है तो कुछ एक मैसेज देके मतलब वीडियो खत्म कर देंगे। बस रूल फॉलो करो, कुछ भी रूल मत ब्रेक करो, कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, इतना ही कह सकता हूँ। थैंक यू दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।